गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनू अग्रवाल फ्रॉम सूरज स्कूल रेवाड़ी। स्टूडेंट्स, लास्ट वर्किंग डे वी विल डिस्कशन टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टुडे टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा प्लांट्स का कौन सा पार्ट करता है? फ्लावर। इट मीन्स हम लोग पढ़ेंगे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। व्हेन द प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एज द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मीन्स फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन विज रिजल्ट इज वेरिएशन। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन होती है, क्योंकि सभी स्पीसीज कैसी होती है? डिसिमिलर होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम फ्लावरिंग की बात कर रहे हैं तो जो हमारे फ्लावर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? फ्लावर्स आर टू टाइप। फर्स्ट वन इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड सेकेंड वन इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मीनिंग होता है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। किन किन प्लांट्स के अंदर, फ्लावर के अंदर जो मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं बाइसेक्सुअल। इट मींस हिबिस्कस एंड मस्टर्ड इज द एग्जांपल ऑफ द बाइसेक्सुअल। एंड सेकंड वन इज द यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मींस आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल क्या है यूनिसेक्सुअल में? पपाया एंड वॉटर मेलन। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के पार्ट और उनके फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, प्लांट्स के बेटा चार पार्ट होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? फोर पार्ट। फर्स्ट वन इज द सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। ठीक है, फ्लावर के हमारे चार पार्ट होते हैं। इन फोर पार्ट्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। टू इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड सेकंड टू इज द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं फ्लावर्स के बेटा वो दो होते हैं, उसका नाम होता है स्टेमन एंड कार्पल। स्टेमन एंड कार्पल देन एंड इससे बोलते हैं एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है वो तो आपको पता है थ्रू हैपन्स इन द फ्लावर। एंडोसियम एंड गाइनोसियम्स हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करेंगे तो सेपल एंड पेटल आर कॉल्ड द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट डायरेक्टली इसे नॉन रिप्रोडक्टिव क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। अब सेपल की बात करेंगे हम तो सेपल इट प्रोटेक्ट द इनर डेलिकेट पार्ट ड्यूरिंग बर्थ कंडीशन आर ऑल्सो परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस इफ दे आर ग्रीन इन कलर। देन फंक्शन ऑफ द पेटल दे When they are colors, attract insect for pollination। जो हमारा पेटल होता है वो कलरफुल पार्ट होता है जो इंसेक्ट को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब एंडोसियम जो होता है बेटा वो प्रोड्यूस करता है आपका पोलन ग्रेन, और एंडोसियम जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन को। लेकिन पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस पोलन ग्रेन क्या होते हैं हमारे जो एंथर प्रोड्यूस करते हैं हम आपको आगे बताएंगे। जिम्नोस्पर्म क्या है? इट प्रोड्यूस ओव्यूल विच आर फीमेल गैमेट्स। जो ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द एंडोसियम इज कॉल्ड स्टेमन। ठीक है, जो एंडोसियम है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं इसको। स्टेमन के कितने पार्ट्स होते हैं हमारे? टू पार्ट। फर्स्ट वन इज द एंथर एंड सेकंड वन इज द फिलामेंट। अब हम एंथर की बात करेंगे तो एंथर जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं हमारे? पोलन ग्रेन। और कैसे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं? ये हैप्लॉइड इन नंबर। ओके, सिंगल इन नंबर। ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड पिस्टल। पिस्टल जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है फ्लोवर का और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द स्टिग्मा, सेकंड वन इज द स्टाइल एंड थर्ड वन इज द ओवरी। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है वो स्टिकी पार्ट होता है जो क्या करता है? ट्रैप करता है पोलन ग्रेन को। जैसे फ्लोवर के ऊपर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे तो उन्हें ट्रैप करने का काम कौन करता है? हमारा स्टिग्मा। बेटा सेकंड जो पार्ट है स्टाइल, उसका काम क्या होता है? इट ट्रांसफर मेल गैमेट्स टू फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट से फीमेल गैमेट्स तक पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? हमारा स्टिग्मा। देन ओवरी, ओवरी जो है वो आफ्टर सम टाइम किस में कन्वर्ट होती है? हमारी फ्रूट्स में। ओके, देन नेक्स्ट वर्किंग डे वी विल डिस्कशन व्हाट इज पोलन ग्रेन एंड पोलिनेशन। थैंक यू।